बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। उसके लिए हमने लिया है 1.5 किलो गोश्त, वो हमने रख दिया बॉईल करने, और 1.5 पाव दी है चने की दाल भीगी हुई, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 अदद ली हैं, 3 अदद दी है अदरक ली है, और 2 चमची सफ़ेद जीरा, 2 चमची काली मिर्च, 3 अदद बड़ी इलायची, और 2 अदद आलू, लवंग मिर्च 12 के करीब है, और थोड़ा है बेसन। अब हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के लिए 2 चमची खसखस, इससे कबाब कुरकुरे और मज़े के बनते हैं। खसखस डालने से कबाबों का टेस्ट अच्छा आ जाता है, कुरकुरे मज़ेदार होते हैं कबाब। हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है, और हमने इसका नाम रखा है एम किचन एंड ब्लॉग, ये हमने इसका नाम रखा है। और इसके अंदर हम नमक जब डालेंगे, जब ये गोश्त वगैरह बन जाएगा सही से, फिर उसके बाद नमक डालेंगे। अभी हम इसको कैप करके रख रहे हैं। कबाबों का गोश्त गल गया है, देखें अब तैयार हो गया। अब हम इसको करेंगे चॉप करेंगे, और इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्ची और ये हरा धनिया। कबाब में हमने अंडे भी मिक्स करे, इसके अंदर 2 अदद मिक्स करके टिकिया बना ली है। अब इस टिकिया बना के अब हम इसको ताकि कभी मेहमान वगैरह आते कर चलने के लिए सही रहते हैं। अगर आपको हमारे कबाब की रेसिपी पसंद है, आप जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, जो हाफिज़।